हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो मैं आज इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ कि तीन स्विच, दो 5-पिन सॉकेट और एक होल्डर का कनेक्शन कैसे किया जाता है। देखिए तो फ्रेंड्स, आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने के लिए मैं बोर्ड को अच्छी तरह से घुमा लिया हूँ और सबसे पहले मैं एक रेड कलर का वायर लूँगा और जो मेरा तीनों स्विच है उस तीनों स्विच के मैं इस वायर का मदद से मैं अच्छी तरह से नीचे वाले टर्मिनल को लूप करूंगा। देखिए इस प्रकार से। सबसे पहले मैं इस दोनों टर्मिनल को आपस में कनेक्ट करेंगे जो दो स्विच नीचे में है, और इसे स्क्रू ड्राइवर के मदद से अच्छी तरह से उसे मैं टाइट करके उस केबल को हम सीधा लेकर के चले जाएंगे। जो मेरा एक ऊपर में स्विच है उसके ठीक ऊपर है मेरा स्विच। देखिए ये मेरा स्विच है, यहाँ पे इसके नीचे वाले टर्मिनल पे मैं इस केबल को वहाँ पे भी जुड़ूंगा। तो उस केबल को अच्छी तरह से काट करके और दोनों सिरे को मैं कवर से बाहर कर लिया हूँ और दोनों को वहाँ पे अटैच करके इस टर्मिनल पे लगाएंगे। और एक वायर यहाँ से निकलेगा, एक वायर रेड कलर का, वो इस मेरा बोर्ड का फेज वायर होगा। ये मेरा बोर्ड का फेज वायर है फ्रेंड्स। तो इसमें केबल को कट कर दिया हूँ थोड़ा सा लंबा, और उसके बाद मैं दो छोटा छोटा रेड कलर का वायर लेंगे जो मैं 5-पिन सॉकेट के फेस वाले टर्मिनल को कनेक्ट करें या न्यूट्रल किसी टर्मिनल को कनेक्ट करेंगे। हम न्यूट्रल टर्मिनल को कनेक्ट कर रहे हैं, हमको इस बोर्ड में इन्वर्टर का वायरिंग नहीं करना है, तो इसलिए मैं न्यूट्रल टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया हूँ फेस वाले टर्मिनल पे। तो उसको मैं स्विच के उसके बगल में जो जिस स्विच से कनेक्शन करना है उस स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल में कनेक्ट करेंगे। ठीक उसी प्रकार से जो मेरा दूसरा 5-पिन सॉकेट है उसी प्रकार से उसमें भी मैं कनेक्शन कर दे रहा हूँ। और ऊपर में जो एक होल्डर आप देख पा रहे हैं, होल्डर में भी उसी प्रकार से कनेक्शन करना है। बारी बारी से मैं सभी टर्मिनल पे मैं सभी वायर को लगा ले रहा हूँ। फ्रेंड्स, कोई भी वायर को लूज नहीं कसना है, लूज कसने के बाद बोर्ड में अनेक प्रकार की समस्या आ सकती है। ये भी मेरा 5-पिन सॉकेट का ये मेरा फेस टर्मिनल है जहाँ पे जोड़ा हूँ, एक न्यूट्रल और एक फेस में जोड़ा हूँ। उससे कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, हमको इन्वर्टर से नहीं चलाना है। ये वायरिंग सही प्रॉपर अच्छी ढंग से नहीं मैं कर रहा हूँ, जिसे आम लोग करते हैं वैसे मैं इस बोर्ड का वायरिंग कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, इस वायर को जोड़ने के बाद मेरा इस बोर्ड में फेस वायर का कार्य बिल्कुल ख़त्म हो गया। और देखिए मेरा फेस वायर है। उसके बाद मैं न्यूट्रल वायर लूँगा जो मैं 5-पिन सॉकेट के दोनों टर्मिनल को आपस में अटैच करके और होल्डर के टर्मिनल पे अटैच करके वहाँ से उस केबल को बाहर निकाल देंगे तो मेरा इस बोर्ड का न्यूट्रल वायर हो जाएगा। तो देखिए मैं इस प्रकार से अच्छी तरह से इस वायर को लगा ले रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें ताकि आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं वो भी इसकी पूरी जानकारी ले सकें। यहाँ पे इस वायर को जोड़ने के बाद उस वायर को हम सीधा लेकर के चले जाएंगे जो मेरा ऊपर में होल्डर आपको दिखाई दे रहा है, मेरा होल्डर है यहाँ पे।
तो फ्रेंड्स इस वायर को जोड़ने के बाद, मतलब इस वायर को हम जोड़ देंगे तो मेरा बोर्ड का वायरिंग बिल्कुल फाइनल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए मेरा बोर्ड बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है और न्यूट्रल फेस वायर दोनों को मैं बाहर निकाल दिया हूँ। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को और पर सेलेक्ट कर लें ताकि